नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 अक्टूबर को मुंबई में चल रही हाई प्रोफाइल रेप पार्टी पर रेड की थी, जिसके बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था। 3 अक्टूबर शाम तक इन सभी से पूछताछ की गई, जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें शाहरुख खान का बेटा आर्यन भी शामिल था। आज फिर इस मामले में सुनवाई हुई। आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उन्हें आज भी जमानत नहीं मिली है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 13 अक्टूबर यानी बुधवार तक न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। अब इस मामले में बुधवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। एनसीबी इस मामले की जांच में लगी हुई है। 3 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में था। रविवार यानी कि 10 अक्टूबर को उनका स्टेटमेंट दर्ज किया गया। आर्यन के वकील ने दावा किया है कि आर्यन पहले ऐसे शख्स नहीं है जिसके पास कोई ड्रग्स रिकवर नहीं हुआ है, ना ही उन्होंने इसका सेवन किया है। तो गाइस, ऐसी ही अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।